देश रोहतांग है, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता।
अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले। अच्छा हुआ जो ये सब यहाँ से चले गए, कहीं मेरे हाथ लग जाते तो फिर बताता मैं इनको कि हमारा नाम भी सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है। और ऊपर से मिया हम पत्रकार जो ठहरे, अगर कमजोर दिल वाले हैं तो फिर दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे पाखंडी की दास्ता जिसे देखकर आप भी सिहर उठे। इंसानों को मारकर उनकी लाश से खून मिटाने वाला कलिंदा, इंसानों के खून से मौत का जश्न मनाने वाला कलिंदा, नरकंकाल और खोपड़ियों के साथ रहने वाला कलिंदा, सनसनी में आज बस इतना। आप लगेगा होशियार, सौंदर्य को चीखती सनसनी कर फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। मिया एक बार ये लोग हमको मिले थे तो क्या मैं इनको जाने देता? ऐसा मारा ये दलादन ये सका सा कहने लगे सुरमा भाई माफ करो, लेकिन मैं जाने दू तब ना मेरे दोनों को पकड़ा और क्या क्या था क्या था भैया? अरे अमा आप लोगों के पास तो कुछ काम नहीं है, सो झूठ हमसे बुलवाते हो, अभी लेने के देने पड़ जाते। मिया मैं यहाँ आया था क्योंकि बजरंगी ने मुझे फोन करके बुलाया था। मिया ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा उधर से, चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है। अब जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आ जिंदगी में आना। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? अरे हम हैं चुलबुल पांडे, कभी हम होते हैं प्रेम, लेकिन आज हम बन के आए हैं बजरंगी। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम बजरंगी भाई जान। लेकिन मिया मेरे ये बताओ ये बच्ची हमारा किसकी है? अरे इसी के लिए तो तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे ये बच्ची मिली है, इसका नाम है स्वच्छता। बेचारी अकेले रो रही थी, कह रही थी इस राज्य में स्वच्छता का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, है ना मुन्नी? अगर ये स्वच्छता है मिया तो चलो किसी नेता या समाज सेवक के पास जाके इसको दे देते हैं। मिया आखिर स्वच्छता तो इन सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहते हो भोपाली, लेकिन यह खुद ही सबके पास जाके आई है, कुछ ने तो फोटो भी निकाली मगर इसको किसी ने नहीं अपनाया। अरे रे ये तो बड़ी मुसीबत है, कैसे होगा? एक ही व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है मिया, और उसका नाम है राजा बाहुबली। Thank you.
चप्पा जी जरा संभाल के। क्या करें महाराज, यहाँ इतना कचरा पड़ा है कि आदमी कहीं ना कहीं फिसल ही जाता है। सच कहते हैं कटप्पा जी, कितना खूबसूरत हुआ करता था मेरा राज्य, लेकिन लोगों की धीरे धीरे आदतें बिगड़ती चली गई और आज पूरा राज्य कूड़े के ढेर के समान लगता है। हर चौराहा, हर गली, सब जगह कचरा ही कचरा दिख रहा है। और उनकी इसी आदत की वजह से हमारा दुश्मन कालकेय दिन ब दिन मजबूत होते जा रहा है। लगता है फिर से युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। मगर हम उनसे कैसे लड़ेंगे महाराज, हमारी आधी सेना इस वक्त सिकली ऊपर है। जो सैनिक तंदुरुस्त है उनके यहाँ कोई न कोई बीमार है। हम पहले ही 2-3 बार मूंग की खा चुके हैं। कालकेय की सेना के नाम सुनते ही सबके पेट में मरोड़ आने लगते हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कटप्पा जी। अरे बजरंगी और भोपाली, तुम दोनों यहाँ कहो क्या काम है? महाराज, हमको यह बच्ची मिली है, इसका नाम है स्वच्छता। हमने इसका घर ढूंढना चाहा लेकिन हमको नहीं मिला, सोचा शायद आप हमारी कुछ मदद कर दें। बजरंगी सुनो, अगर यह स्वच्छता है तो जाओ इसे लोगों के हवाले कर दो, आखिर स्वच्छता उन्हीं की जिम्मेदारी है। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं स्वच्छता सरकार की जिम्मेदारी है और मियां आप कहते हो लोगों की जिम्मेदारी। इसी चक्कर में उसे कोई नहीं अपनाता है। महाराज एक काम हो सकता है, कालके की चिंता आप खुद पे छोड़ दो। अरे उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ, कालके को तो मैं यू ही मसल दूंगा, है ना मम्मी? महाराज ये बजरंगी सही कह रहा है, आप तो बस आदेश दें। ठीक है, अगर आप लोगों को यही लगता है तो फिर चलो यलकार हो, आज या तो ये गंदगी रहेगी या तो फिर हम रहेंगे। समझते क्या है अपने आप को, एक लाफा मारूंगा कि समझ में नहीं आएगा कि आर्या है कि जारिया है। छोटा सा, नन्ना सा, प्यारा सा, डेंगू का मच्छर हो फिर भी मैं तुम पे भारी पड़ूंगा। आओ ललिता दाँच दाँच दाँच। ये तो लेने के ढेरे बढ़ जाएंगे। भोपाली तू पीछे हटो, मैं अभी एक एक के सर काट के लाता हूँ। जय बाहुबली। सर का देगा, सर का देगा, हाथ। जब बच्चा रात को सोता है तब माँ कहती है बेटा मच्छरदानी लगा ले, नहीं तो मच्छर सींग आ जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। और ये कटप्पा हमारा सर काटने की बात करता है, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। हाथ। महाराज लगता है अब पीछे हटने में ही समझदारी है। उन्मा लगता है ये बहुत खतरनाक एक्टर है। मुन्नी चलो हम यहाँ से चलते हैं। नहीं नहीं, रुको, क्या आप अपने आने वाली पीढ़ी को बीमार बनाना चाहते हो? अगर आज इस कालकेय की सेना को खत्म नहीं किया तो जरा सोचो हम बच्चों का भविष्य कितना भीषण होगा। आप सब इतने बड़े बड़े लोग हैं और इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हर लड़ाई ताकत और तलवार से नहीं लड़ी जाती। अगर आपको कालकेय जैसी गंदगी को हटाना है तो आपको तलवार नहीं यह झाड़ू उठाना चाहिए। यही एक हथियार है जिससे आप गंदगी को हरा सकते हैं। तो उठाइए झाड़ू और कर दीजिए इस गंदगी का सफाया। अरे जो लोग अपने घर का कचरा दूसरे के यहाँ डालते हैं वो लोग हमसे क्या लड़ेंगे? 2 दिन तक तमाशा करेंगे फिर भूल जाएंगे, इसीलिए गंदगी को कोई नहीं हरा पाया है। गंदगी हमेशा से थी, है और रहेगी। कष्टपूर्ण
मस्त हो गए। गंदगी क्या है? गंदगी अपने गली मोहल्ले में कचरा फेंकना, यह है गंदगी। जगह जगह थूकना और बीमारी को न्योता देना, यह है गंदगी। सफाई मेरा नहीं किसी और का काम है, यह सोचना है गंदगी। अपने वर्क प्लेस पर हाईवेज मेंटेन न करना, यह है गंदगी। उस गंदगी को खत्म करने जा रहा हूं मैं। मेरे साथ सफाई अभियान से जुड़ेगा कौन? मैं। अपने वर्क प्लेस पर हाउसकीपिंग करेगा कौन? मैं। अपने प्लांट को साफ सुथरा रखेगा कौन? मैं। हम इनके लिए तैयार। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम मिलते हैं कंधे से कंधे, इसमें तो मिलते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम मिलते हैं कंधे से कंधे, इसमें तो मिलते हैं। हमने तो सफाई का बेड़ा उठा लिया है। आशा है आप भी आज से, अभी से अपने वर्क प्लेस, अपने प्लांट में हाउसकीपिंग का पूरा ध्यान रखेंगे और सफाई को बढ़ावा देने के लिए आप अपने परिवार और अपने दोस्तों को प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। अगर हम तय करें, 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा न गंदगी करने दूंगा। अगर गंदगी से देश को मुक्ति से दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा हम गंदगी नहीं करेंगे।